भारतीय इतिहास में औरंगजेब की मृत्यु को ही मुगलों का अंत माना जाता है। हालांकि औरंगजेब के बाद भी कई मुगल आए, लेकिन वो उतने कार्यक्षम नहीं थे जितने औरंगजेब और उसके पूर्वज। 1526 में बाबर के आने से चला ये सिलसिला 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद थम गया। आश्चर्य की बात है कि 180 साल चला ये साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद 50 साल में सिमट गया। नस्लों का रंग फीका हो तो भविष्य की तस्वीर धुंधली होती है। पिता की मृत्यु के बाद औरंगजेब के तीनों बेटे सत्ता के लिए आपस में लड़े। तीनों बेटों की लड़ाई में सबसे बड़ा बेटा युवराज मुअज्जम जीता और 65 साल की उम्र में बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर चढ़ा। अब आपको अचरज हो रहा होगा कि एक 65 साल का बुढ़ा युवराज कैसे? तो भैया, जिसका बाप 90 साल की उम्र तक खुद ही गद्दी पर बैठा राज कर रहा हो, उसका युवराज बेटा 65 साल का तो होगा ही। बहादुर शाह ने समझौता और सुलह का रास्ता अपनाया। उसने राजपूत, सिख, मराठा, जाट और बुंदेलाओं के साथ सुलह करने की कोशिश की। इसी के राज में मराठा और सिख और शक्तिशाली हुए। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदर शाह गद्दी पर बैठा, जो बहुत ही कमजोर और अक्षम शासक बना। उसे तो देश के अन्य शासक ही दबाव में रखते थे। जैसे तैसे जहांदर शाह ने एक साल पूरा कर लिया। 1713 में फारूक सियार राजगद्दी पर सैयद भाइयों की वजह से बैठा, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने के नाते मुगल दरबार में उनका ओहदा और वर्चस्व बहुत बड़ा था। मुगल दरबार में उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। फारूक सियार ने जब उनके वर्चस्व से निकलने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया। फिर 1719 में सैयद भाइयों ने बहादुर शाह के पोते 18 साल के मोहम्मद शाह को तख्त पर बिठाया। मोहम्मद शाह के कमजोर प्रशासन की वजह से देश के अन्य शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। हैदराबाद, बंगाल, अवध और रोहिलखंड ने नाम मात्र राजस्व देने का फैसला लिया। इस तरह खंड खंड होकर मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। मोहम्मद शाह ने लगभग 30 सालों तक राज किया और वह मुगल साम्राज्य की आखिरी उम्मीद थी। मुगलों के अक्षम शासक, कमजोर प्रशासन और खराब सैनिक की ताकत का फायदा बाहरी आक्रमणकारियों ने उठाया। पर्शिया के शासक नादिर शाह ने 1739 में पंजाब पर आक्रमण किया, फिर मोहम्मद शाह को भी आसानी से हरा कर कैद कर लिया। उसने दिल्ली में जो नरसंहार किया उससे कई दिनों तक दिल्ली रेगिस्तान की भांति नजर आ रही थी। नादिर शाह ने दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया। मोहम्मद शाह को फिर से गद्दी पर बिठाकर वो अपने साथ कोहिनूर हीरा और शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन ले गया। अब मुगल साम्राज्य दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित था। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई। मोहम्मद शाह की मौत के बाद उसी के तरह के अक्षम शासक आए, जैसे अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। आलमगीर द्वितीय के शासन में ही 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई जीती और अंग्रेज हुकूमत की नींव रखी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।